जल शक्ति मंत्री के द्वारा जनमंच कार्यक्रम में किए गए व्यवहार को पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप पठानिया ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। हमीरपुर में पठानिया ने कहा कि जनमंच में लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं और मंत्रियों का व्यवहार लोगों व अधिकारियों के साथ तानाशाही को दर्शा रहा है। वहीं पठानिया ने प्रदेश सरकार पर हमीरपुर जिला की अनदेखी के आरोप भी लगाए। अधिकारी भी दुखी हैं और आम जन भी दुखी हैं, उनका काम भी नहीं हो रहा है, जो आके दे भी रहे हैं उनका भी कुछ नहीं हो रहा है। और जिस तरह जनमंचों में अधिकारियों को बेइज्जत किया जा रहा है, जिस तरह मंत्रियों द्वारा जनमंच पे व्यवहार किया जा रहा है, वो निंदनीय है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। पठानिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमीरपुर जिला की अनदेखी हुई है, जिसके चलते जनमंच कार्यक्रम में हमीरपुर में मंत्री भी आने से संकोच कर रहे हैं। यही कारण है कि हमीरपुर में जनमंच के लिए 3 मंत्रियों के ना आने के बाद सरवीन चौधरी को भेजा गया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी कोई बड़ा योगदान नहीं दे सके और हमीरपुर के विकास में कांग्रेस पार्टी का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री कभी भी हमीरपुर का विकास नहीं करवा पाए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है, चाहे देश में है चाहे प्रदेश में है, हमीरपुर के साथ बहुत ही सुतीला व्यवहार होता है। लोगों के कोई काम नहीं होते हैं, लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। और इसके साथ पीता जागता उदाहरण यह है कि अभी जो जनमंच हुआ, इसमें 3 मंत्री बदले गए और पीछे से सरवीण जी को जिम्मेवारी दी गई कि वो जाके जनमंच करें। यहाँ मंत्री आने से भी डरते हैं कि जब 4 साल में कोई काम नहीं हो तो लोगों को क्या जवाब देंगे। तो ये जनमंच जो है, ये सरकार का जो है एक ड्रामेबाजी है। इलेक्शनों के लिए कोरोना लगा हुआ है, जनमंच के लिए कोई कोरोना नहीं है। एक आम आदमी, गरीब आदमी अगर सड़क पर बिना मास्क के चला है तो उसको मारपीट कर रहे हैं, लेकिन जो जनमंच में नंगे घूम कर रहे हैं और ना बात से करना कुछ, उसके लिए कोई कानून नहीं है। छोटे छोटे शादियों में या छोटे छोटे गरीबों के फंक्शनों में वो फंक्शन करना है तो उसके लिए कोरोना है, और जब इनकी अपनी रैलियाँ होती हैं तो कोई कोरोना नहीं है। ये सरकार ही अपने आप में कोई फैसला नहीं ले रखती है कि ये क्या करने जा रही है और क्या इसमें इन्होंने पिछले 4 साल में हुआ। जहाँ तक हमीरपुर की बात है, मेरे कहने से नहीं है, खुद बीजेपी वाले भी इस बात को बोलते हैं कि हमें पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं हुआ। काम तो जब जब भी प्रदेश में कांग्रेस आई तभी हमीरपुर का उत्थान हुआ। हमारे मुख्यमंत्री भी रहे धूमल जी, तब भी काम नहीं हुआ। काम क्या होता है? काम होता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद कोई यहाँ इंडस्ट्री होती जिसमें 150 आदमी नौकरी करते, 2 इंडस्ट्रियाँ होती हैं उसमें 150 आदमी काम करते। कोई इंडस्ट्री नहीं होती तो कम से कम मेज की होती, मक्की की होती। और यहाँ मक्की जो है आज 12 रुपये किलो बिक रही है, अगर वो इंडस्ट्री होती ग्लूकोज की या इसकी बियर की, तो हमारी मक्की 40 और 50 रुपये में बिकती, सब लोगों ने खेत बीज देने से दोबारा वापस। किसान जो है वो धरने पे बैठे हैं, उसकी कोई सोच नहीं है, जो 70% लोगों को रोज़गार दे रहा है। तो ऐसा वैसा जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी नहीं कर सके, और जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं वो शायद इनकी वजह से वो भी नहीं कर रहे हैं, और आखिर में जनता पीस रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदले जाने पर तंज कसते हुए पठानिया ने कहा कि सरकार विकास करवाने में नाकाम साबित हुई है और उसका ठीकरा मुख्यमंत्रियों पर फोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा विकास करवाने में विफल रही है और केवल भाषणों तक ही सीमित होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को जल्द ही आईना दिखाएगी। मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, इसका साफ साफ चलता है कि इस जमीन पे, धरातल पे इस सरकार ने कोई काम नहीं हुए हैं। भाषणों में, ड्रामेबाजी में इस पे काम हुए हैं, इसलिए इनको मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। कि नया मुख्यमंत्री आएगा वो शायद लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बात यहाँ हो चुकी है कि आने वाले कल जो चुनाव हैं, लोगों ने इनको आईना दिखाना है। जो 60 रुपये तेल की बोतल थी वो 210 में बिक रही है, घी जो है वो कहाँ पहुँच गया है, दालें कहाँ पहुँच गई हैं,
और लोगों के साथ कानून व्यवस्था में बुरी हालत है, कोई न्याय नहीं है। लोग जो है बुतरा इताए अमाम हैं और इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब हो। ये तो उन्होंने अभी चुनाव हिमाचल में जो उपचुनाव होने थे वो कैंसिल कर दिए, आईना आज ही दिख जाना था कि हिमाचल की स्थिति क्या होगी।